हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं गाइस आप सब? आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, सुबह की बज रही हैं 8:10 और मैंने हेयर ऑयलिंग कर लिया अपने बालों में। आज मैं हेयर वॉश करूंगी और एक हेयर पैक भी मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। ये है एल्प्स गुडनेस का मेथी पाउडर और मेथी बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मेथी पाउडर वाली मेथी को भी पीस के उसका पेस्ट बना के अपने बालों में लगा सकते हो। तो मुझे ना अपने लंबे बाल बहुत पसंद थे, इसलिए मैं चाहती हूँ जल्दी से मेरे बाल ग्रो हो जाए, इसलिए मैं कुछ कुछ ट्राई करती रहती हूँ। और फ्रिज के ऊपर मेरी चीज़ें ऐसे ही बिखरी पड़ी रहती थी, तो जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो मैंने इस बास्केट के अंदर डाल दी है। आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो बेडशीट चेंज करते हैं। कपड़े मैंने धोने के लिए डाले हुए हैं, तो गाइस चलिए साफ सफाई करते हैं, बेडशीट चेंज करते हैं। सब ऐसे ही बिखरा हुआ है। तो सौरभ जाने के बाद मैंने ओलिंग स्टार्ट कर दी थी और अभी झाड़ू पोछा करते हैं। सो गाइज, हेयर वॉश मैंने कर लिया है, तो जब तक बाल सूखते हैं तब तक मैं एक मेहंदी डिज़ाइन बनाती हूँ और उसके बाद लगाएंगे फिर मेथी का हेयर पैक। तो गाइज, उसकी मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ और ये हेयर पैक वाली वीडियो जाएगी मेरे मेकअप वाले चैनल पे हिडन फैशन मुआ। अगर आपने अभी तक मेरा वो वाला चैनल विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर विजिट कीजिए। अब उस पर डेली कुछ ना कुछ वीडियोज़ ज़रूर मिला करेगी। तो गाइज़ चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना काम करते हैं फटाफट से। और टाइम हो गया है 10:15 का, कपड़े भी साथ साथ धुल रहे हैं। आधे कपड़े मैं सुखा के आ चुकी हूँ, आधे अभी बाकी हैं। ये है मेरा मेहंदी सेटअप, मैंने पहले भी आपको दिखाया अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ। जब मैं रूम में मेहंदी लगाती हूँ तो मुझे वहाँ पे रिंग लाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ट्यूब थोड़ी सी ऊपर हो जाती है और फिर जो है ये ट्राईपोड की शेडो आने लगती है हाथ के ऊपर। इसलिए मैं जब दिन में वीडियो बनाती हूँ तो मुझे यहाँ पे रिंग लाइट की ज़रूरत नहीं रहती, यहाँ से नेचुरल लाइट आती है और जो डिज़ाइन है बहुत अच्छे से बनता है। चलिए जब तक बाल सूखते हैं तब तक एक छोटा सा मेहंदी डिज़ाइन तैयार करते हैं। कई दिन हो गए मुझे मेहंदी लगाए हुए, और जब कुछ दिन मुझे मेहंदी लगाए हो जाते हैं ना तो गाइज मेरे माइंड में जो है डिज़ाइन आना बंद हो जाते हैं। तो चलिए फिर आज लगाते हैं। ये एक छोटा सा मेहंदी डिज़ाइन मैंने बना दिया है, तो बाल भी सूख गए हैं, अभी लगाते हैं हेयर पैक। हेयर पैक लग चुका है, और इस तरह के हेयर पैक लगाना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, ये ना थोड़ा मैसी हो जाता है। और अभी मैं कवर करूँगी इसको शावर कैप से, क्योंकि ये सूखने नहीं चाहिए, अदरवाइज़ ये ना चिपक जाते हैं आपके बालों में अगर सूख गए तो। तो इसको मैं 2 घंटे तक रखने वाली हूँ, उसके बाद मैं अपना हेयर वॉश करूँगी, पहले सिंपल वाटर से करूँगी और फिर मैं शैम्पू यूज़ करूँगी। तो मैं आपको मिलती हूँ हेयर वॉश करने के बाद। और हवा देखो कैसे चल रही है, पूरी विंडो मैंने ओपन करके रखी हुई है। शावर कैप पहन ली है और अब इसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं जाएगी, तो जो भी हमने हेयर मास्क लगाया है वो सूखेगा नहीं। टाइम हो गया है 2:15 और अभी मैं बनाने जा रही हूँ लंच, थोड़ा लेट हो गया है और इसको मुझे लगाए हुए 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। तो इसको लंच करने के बाद मैं वॉश करती हूँ, और ये फैन बेचारा कभी भी शांति से नहीं रुकेगा, चलता ही रहता है, हवा इतनी ज़ोर से चलती है यहाँ पे क्या बताऊँ। और विंडो को मैंने ओपन किया है तो देखो लाइट कितनी अच्छी आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास, रिंग लाइट की तो नीड ही नहीं है। तो चलिए गाइस, लंच में मैं बनाने वाली हूँ आज एक ऐसी चटनी जिसको मैंने पहले कभी नहीं बनाया।
मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी थी, तो उसमें एक लेडी ने चटनी बनाई थी जो कि बहुत थी, मतलब खाने में रील्स देखते ही ऐसे मुंह में पानी आ रहा था। तो उसी को आज मैं ट्राई करने वाली हूँ, तो देखते हैं कैसे बनती है। वो सौरभ के पापा भी आने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली हैं, तो इसको पीस लेते हैं। तो इसको गाइज मैंने बारीक पीस लिया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी रेड चिली पिसी हुई। सो 1 स्पून रेड चिली डालते हैं, और डालना है इसके अंदर साल्ट, ये मैंने बारीक करके इसके अंदर डाल दिया है, धनिया। और अब हमें करना है ऑयल गरम। ये मैंने गैस पे रखा है 2 टेबल स्पून ऑयल, तो इसको गरम करते हैं। ये तेल हमारा गरम हो चुका है, और अब इसको हम अपने मिक्सचर में डालते हैं। अभी इसको मिक्स करते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। अभी खाएंगे तभी पता चलेगा टेस्ट का। तो मुझे तो गाइस मज़ा आ गया चटनी में। अब सौरभ के पापा को पता नहीं कैसी लगेगी, आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है, और टेस्ट तो आप पूछिए ही मत। जब आप बना के खाओगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। वैसे सौरभ के पापा ने कहा था कि मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक आए नहीं है, तो उनको कॉल करके देखते हैं कहाँ रह गए। होने 3 होने वाले हैं, और आज बहुत जोरों की धूप निकली है, हवा भी बहुत चल रही है, देखो एकदम चमकीला दिन है। उनको तो गाइस अभी आधा घंटा और लगेगा, तो इससे अच्छा है कि रोटी बनाने से पहले मैं जाके नहा लेती हूँ और हेयर वॉश कर लेती हूँ। हेयर पैक से गाइस एक एक बाल तो खिल गया, लेकिन जब सूख जाएंगे तभी पता चलेगा कि कैसे बाल हुए हैं, फ्रिजी हैं या फिर रफ हैं या फिर शाइनी हैं। तो अभी बनाते हैं रोटी, और तब तक बाल सूख जाएंगे, फिर आपको दिखाती हूँ मैं रिजल्ट कैसा आता है। और इसकी मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी, तो आप दूसरे चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। ये है गाइस मेरा नेचुरल ड्रायर, तो रोटियाँ भी बनाते हैं और ठंडी हवा बाहर से आएगी तो हमारे बाल भी सूख जाएंगे। तो किचन की ये खिड़की मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए पसंद है क्योंकि यहाँ से अच्छी हवा आती है, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो लू भी उतनी ही ज़्यादा आती है। शाम के बज रहे हैं 6:15, और मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, एक शॉर्ट वीडियो बनाई है मेकअप की, और बाल आप मेरे देख सकते हो। जो हेयर पैक मैंने लगाया था उससे बाल तो एकदम मस्त हो गए। वैसे शाइन तो पहले से ही है मेरे बालों में, इतने मेरे बाल रफ नहीं है, बट फिर भी अगर ऐसी चीज़ें हम अपने बालों पे यूज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे बालों के लिए। ग्रोथ जल्दी होती है, इचिंग नहीं होती, डैंड्रफ नहीं होता, तो काफ़ी सारी एडवांटेज हैं हेयर मास्क लगाने के। तो मैंने यहाँ पे चाय रखी हुई है, और आज एक ब्यूटीफुल सा पार्सल आया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने कई शॉर्ट्स वीडियो बनाई हैं, और देखिए मतलब छोटा सा भी मेकअप ट्यूटोरियल बनाओ तो ये सामान बिखर जाता है। तो ये है गाइस इयररिंग एंड टीका, वीडियो में दिख नहीं रहा, बॉक्स के अंदर है ना, इसलिए थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। मैं निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स लग रही हैं, ये देखिए गाइस, ये मैंने मीशो से मंगवाए हैं। तो चलिए गाइस चाय पीते हैं, और मेकअप शेकअप किया है तो 2-4 रील्स बनाना तो बनता ही है, तो चलिए चाय पीते हैं और रील्स बनाते हैं। सो रात के खाने में गाइस मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो एक पे मैंने बेसन को बॉईल करने के लिए रखा है गैस पे, और एक पे मैंने लगा दिया है तड़का। तो यहाँ पे हमारा बेसन साथ के साथ बॉईल हो जाएगा, तो थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे, और साथ में मैं थोड़े से चावल भी बनाऊंगी अपने लिए, मेरा कढ़ी चावल खाने का मन है। सौरभ को गाइस कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो खाएगा मीठे चावल, तो उसके चावल में मैं डाल के डाली हूँ बूरा, और मैं खाऊंगी कढ़ी चावल। और सौरभ के पापा लगे हुए हैं फ़ोन पे, आपको आवाज़ आ रही होगी, तो वो थोड़ी देर में खाएंगे। उनकी मैं रोटी बना के रखा ही हूँ, और ये देखो क्या लगाएगा भाई अभी टीवी में, ये पढ़ रहा था तब से और अब टीवी देखेगा खाते खाते। तो गाइस आज का व्लॉग शायद थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी मैंने कर ली है, तो
तो गाइस चलिए आज के व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं हम, तो मिलते हैं कल फिर नए व्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।